ओ लोको नाए कर गुजारो तिया कुख दे विचना मारो सदा सदा मापिया दे कर दी खैर मनो दिया ने हो पुत बंडौन जमीना तिया दुख बंडौन दिया ने हो पुत बंडौन जमीना तिया दुख बंडौन दिया ने हो एक फोन लावा बिलो नठे आउंदे आ हो एक फोन लावा बिलो नठे आउंदे आ यार एक जे बलावा दस कठे आउंदे आ फिकर कर दानी जट नार दी जट्टी फिरे ओदे उत्ते दिल हार दी भोरा भी फिक्र कर दानी जट नार दी जट्टी फिरे ओदे उत्ते दिल हार दी हो कोई कहंदा डमरू वाला हो कोई कहंदा शिव महाकाला हो कोई कहंदा डमरू वाला कोई कहंदा शिव महाकाला हो कोई कहंदा शंभूस दे नाम पैने लख भगतों हो चम चम चमका मारे शिव जी दी तीजी अख भगतो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मोहम्मद जाफर आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं इंक्वायरर टुडे। आज हम आपको जम्मू के एक ऐसे सिंगर से मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने बहुत कम उम्र में ही अपना नाम कमाया है, और वो हैं सौरव शर्मा जी, जो कि शिवखोड़ी त्रियाट के रहने वाले हैं। हाल ही में इन्होंने एक भजन जो है वो रिलीज़ किया है जिसका नाम है शिव जी दी तीजी अख। इन्हीं से बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे इंक्वायरर टुडे में। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो आप अपना कीमती समय निकाल कर इंटरव्यू लेने। सर, सबसे पहले मैं इस भजन की दो लाइनें सुनना चाहूँगा जो आपने हाल ही में रिलीज़ किया। मैं बिल्कुल सुनाना चाहता हूँ, जो मेरा भजन शिवरात्रि पर रिलीज़ हुआ है, मैं दो लाइनें आपके रूबरू करता हूँ। हो कोई कहंदा डमरू वाला हो कोई कहंदा शिव महाकाला हो कोई कहंदा डमरू वाला कोई कहंदा शिव महाकाला हो कोई कहंदा शंभूस दे नाम पैने लख भगतो हो चम चम चमका मारे शिव जी दी तीजी अख भगतो चम चम चमका मारे भोले दी तीजी अख भगतो। बहुत खूब। सौरव जी, मैं जानना चाहूँगा, पहला इंटरव्यू है मेरा आपके साथ, तो मैं थोड़ी बेसिक चीज़ें जानना चाहूँगा, कब आपने सिंगिंग की शुरुआत की थी? मैं जब फिफ्थ क्लास में पढ़ता था, मेरे दादू घर में गाते थे, और मेरे दादू का गाने का अंदाज़ बहुत ही अलग था, वो उनका गाने का तरीका, और मैं उनके पास बैठ के रियाज़ करता था, तीन तीन चार चार घंटे में उनके साथ रियाज़ करता था। आज वो इस दुनिया में नहीं है, बट उनकी जो मैं रास लेकर चल रहा हूँ वो आज भी चल रहा हूँ, उनको आज भी याद करता हूँ। बिल्कुल। घर वालों का कैसा सपोर्ट रहता है, क्योंकि पढ़ाई में अगर देखें तो माँ बाप कहते हैं बच्चों पढ़ाई कर लो, सिंगिंग डांसिंग म्यूज़िक इनकी तरफ माँ बाप ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते, आपको घर का कैसा सपोर्ट? देखो, स्टार्टिंग में मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, बट जब आस्ता आस्ता मेरा नाम लगा बनने, 10 बंदे लगे जानने, 10 व्यूज़ हज़ारों लाखों तक पहुँचा, तो आज पब्लिक भी और घर वाले भी बहुत सपोर्ट करते हैं मुझे। बिल्कुल। मैं मज़ीद आपसे जानना चाहूँगा, कितने सॉन्ग्स जो हैं आपके अभी तक रिलीज़ हुए होंगे? ऐसे तो कवर्स तो मैंने बहुत सारे गाए हैं, जागरण वगैरह भी करता रहता हूँ, बट जो मेरे ऑफिशियल वीडियो सॉन्ग हैं वो आज तक 3 रिलीज़ हुए हैं। एक पहला स्टार गबरू, दूसरा जट्टी द क्रश, और तीसरा जो अभी आपके सामने लेकर आए हूँ। जट्टी द क्रश की एक दो लाइनें हो जाए। हो भोरा भी फिक्र कर दानी जट नार दी जट्टी फिरे ओदे उत्ते दिल हार दी भोरा भी फिक्र कर दानी जट नार दी जट्टी फिरे ओदे उत्ते दिल हार दी हो। एक सॉन्ग को तैयार करने में, गाने में, कंपोज करने में, म्यूजिक वगैरह सब कुछ कितना टाइम लगता है एक सॉन्ग को तैयार करने में? ये तो मेरे साथ मेरे उस्ताद भी कहते, मेरे भाई बहुत सारा प्यार देते हैं मुझे, मगर जब इनके साथ होता हूँ तो मेरा काम जो आसानी में हो जाता है, बड़ा मजाक से और बड़े प्यार से काम करते हैं हम। बिल्कुल। आपने सिंगिंग के ही इस प्रोफेशन को क्यों चुना? क्योंकि मुझे अच्छा लगता था बचपन से, मुझे मतलब गाना और मेरी रोजी रोटी भी अब यही बन गई है। हमारे साथ जिन्होंने म्यूज़िक दी है इस भजन में वो भी हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहूँगा। सर, मेरा नाम वीक है। कैसा मज़ा आ रहा है इनके साथ काम करके? बहुत अच्छा मज़ा। एक होता ना, एक जे घर के सदस्य जैसे हैं मेरे, छोटे भाई हैं, और आपको पता कि जो फ्री माइंडेड होते हैं उनके साथ काम करने का मज़ा अलग होता है। तो टोटली मुझे ना 110% इनके साथ ज़्यादा मज़ा आता है काम करने का, और रिजल्ट पब्लिक देती है, और जब उनका रिजल्ट देखते हैं तो फिर दिल करता नहीं कुछ और लेके आए। सर, आपसे जानना चाहूँगा, जब पब्लिक इतना प्यार देती है, बहुत सपोर्ट करती है, कैसा फील होता है तब?
बहुत अच्छा लगता है। और मैं सही बताऊँ आपको तो पब्लिक का मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ कि आज जिन्होंने मुझे यहाँ तक लाया, आप तक लाया और कई लोगों से मिलाया मुझे, ये सिर्फ पब्लिक का कमाल है। अगर पब्लिक प्यार दे तो वो आसमान को टच करने पे ले आती है, तो पब्लिक बहुत सारा प्यार देती है मुझे। उन पेरेंट्स के लिए क्या कुछ मैसेज रहेगा जो अपने बच्चों की सपोर्ट नहीं करती, खासकर सिंगिंग, डांसिंग, म्यूजिक वगैरह इन चीज़ों में जो बच्चों की सपोर्ट नहीं करती, उनके लिए क्या कुछ मैसेज रहेगा? मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे पहले तो आजकल बेटियों को आगे नहीं करते हैं। देखो कि बेटियों को जान तो आज बेटियों को समझते नहीं कुछ, आज के ज़माने में फिर भी आज बहुत सारा प्यार मिलता है, बेटियाँ हमारी सबसे आगे हैं। मैं उनके लिए दो लाइनें आपके गाने में रूबरू करना चाहूँगा, ज़रूर सुनाऊँगा आपको। हो लोको ना कर गुजारो, तियां कुख दे विचना मारो, हो लोको ना कर गुजारो, तियां कुख दे विचना मारो, सदा सदा मापिया दे घर दी खैर मनोदिया ने, हो पुत बंडौन जमीना तिया दुख बंडौदिया ने, हो पुत बंडौन जमीना तिया दुख बंडौदिया ने, ती बन के जिंदगी बिच कई किरदार निभाउंदी ऐ, कदे पत्नी ते कदे मैं क्या मायक बाउंदी ऐ, एक ऐसा दस्तूर है लोको, कुछ दे समझो कुछ दे सोचो, मतलब हर बात पे आपका एक गाना तैयार रहता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आपके दोस्त वगैरह जब खासकर आपका कोई गाना रिलीज होता है तो फिर दोस्तों का एक अलग सी मस्ती होती है भाई जी, कभी तो हंसी मजाक में भी वो बैंड बजा देते हैं। हाँ, कैसे कितने दोस्त हैं आपके और कैसी सपोर्ट करते हैं वो? दोस्त बहुत सारा प्यार देते हैं और उनके लिए मैं बताना चाहूँगा एक गाना मैं जरूर आपके रूबरू करूँगा। हो एक फोन लावा बिलो नठे आउंदे आ, हो एक फोन लावा बिलो नठे आउंदे आ, यार एक जे बलावा दस कट्ठे आउंदे आ, हो एक फोन लावा बिलो नठे आउंदे आ, यार एक जे बलावा दस कट्ठे आउंदे आ, हो मेरे यारां नूं उम्र मेरी लग जावे सहेलियां दी लोड़ कोई ना, ओ मेरे यार ही बथेरा प्यार करदे आ कुड़ियां दी लोड़ कोई ना, ओ मेरे यार ही बथेरा प्यार करदे आ सहेलियां दी लोड़ कोई ना। हो अब आने वाले वक्त में क्या कुछ जो आपके फैंस वगैरह हैं क्या कुछ उम्मीद रखें, क्या कुछ नया लेने लेकर आ रहे हो आप? मैं देखो पंजाबी सॉन्ग में दो लेकर आ गया हूँ, एक भजन ये भी पंजाबी टच में लेकर आ गया हूँ, और अब मैं आ रहा हूँ लेकर आपके लिए एक सैड सॉन्ग गाना। और मैं ज़रूर दावे से कह सकता हूँ जब वो मैं गाना पब्लिक में लाऊँगा तो हर एक आशिक से आंसू निकलेगा आंसू। लोग ट्रॉल भी काफ़ी करते हैं, आपको पता है ट्रॉलिंग काफ़ी ज़्यादा होती है, उनके लिए कोई मैसेज वगैरह? देखो मैं ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि जब बंदा काम में बिजी होता ना तो अलग नहीं मिलता। बिल्कुल, बस यही चीज़ है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। क्या कुछ मैसेज रहेगा नौजवानों के लिए खासकर, और इस भजन के हवाले से लोगों के लिए क्या कुछ मैसेज रहेगा? इस भजन में एक चीज़ दिखाई गई है कि कुछ लोग हमारे भगवान शिव के नाम पे कुछ लोगों को गलत मैसेज देते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि इससे थोड़ा वाइड रहो और नशों से दूर रहो, सब जितने भी ड्रग्स वगैरह इनसे दूर रहो, क्योंकि बहुत नुकसान हो रहा है हमारे समाज का। सो मेरी रिक्वेस्ट है कि इन सब चीज़ों से दूर रहो और लोगों में प्यार बांटो और एक दूसरे से नफरत मत करो किसी भी चीज़ से। ये इनका जो है भजन रिलीज जो हुआ है शिव जी दी तीजी आँख, और इससे आप जाके सौरभ म्यूजिक यूट्यूब पे जो है जाके देखें, इन्हें काफ़ी सारा प्यार दें, और हम भी यही चाहेंगे कि ये मज़ीद जो है तरक्की करें, आगे बढ़ते रहें और इसी तरह से कुछ नया लेकर जो है हमारे दरमियान आते रहें। ऐसी मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए इंक्वायरर टुडे, अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त।